नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में। दोस्तों आज है 18 मार्च और 18 मार्च की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो डेली मॉर्निंग अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आज की जो पहली न्यूज है वो है BEU भर्ती को लेकर के, BEU परीक्षा को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य सरकार ने सभी प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश दे दिया है, लेकिन UPSC के जो अध्यक्ष हैं वो इस परीक्षा को किसी भी हाल में टालने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि UPSC में नोडल अफसरों की कल बैठक हुई है, कहा परीक्षा के दौरान संक्रमण से निपटने की तैयारी। दोस्तों कल जितने भी 18 जिले हैं जहां पर परीक्षा होनी है उन सभी के नोडल अधिकारियों से बातचीत हुई, वहां पर मीटिंग हुई और परीक्षा को हर हाल पर कराने के लिए जोर दिया गया। ठीक है, और आज इस संबंध में एडवाइजरी लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है कि किस तरीके से परीक्षा में जाना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान परीक्षा को में। ठीक है, तो ये आज की प्रमुख अपडेट। इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों BEO परीक्षा कराने की तैयारियां तेज हैं, अब परीक्षा स्थगित होने के बहुत ही कम चांसेज हैं। हालांकि अगर राज्य सरकार इसमें स्वयं व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा आदेश देता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को तो ये परीक्षा कैंसिल भी हो सकती है, लेकिन आज शाम तक कम से कम आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी कुछ स्थिति क्लियर हो पाएगी। दैनिक जागरण की तरफ से ये अपडेट लगाया गया, इसको भी आप लोग देख लीजिए। BEO की स्थगित होगी लिखित परीक्षा। यहाँ पर ये लिखा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा भी स्थगित होना तय है। परीक्षार्थियों के हित में आयोग जल्द निर्णय लेगा। इस बीच आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने मंगलवार को जिन 18 जिलों में परीक्षा होनी उनके नोडल अधिकारियों से बातचीत की और परीक्षा निर्विघ्न संपन्न कराए जाने के लिए सभी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अभी तक लोक सेवा आयोग परीक्षा कराने पर जुटा हुआ है, शाम तक ही कुछ स्थिति क्लियर हो पाएगी इसमें। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश के बेसिक मतलब शिक्षा को लेकर के। कल सरकार ने एक लेटर जारी किया हुआ, इस लेटर में ये कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते कक्षा 1 से 8 तक यूपी बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी को रद्द किया जाता है। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, अब उत्तर प्रदेश की कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में परीक्षाएं नहीं होंगी और इन सभी बच्चों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी बिना परीक्षा दिए ही पास होंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे। ठीक है, तो ये इसका ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो संस्कृत शिक्षा परिषद है, ठीक है, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा जितने भी परीक्षाएं होनी थी उन सभी को स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, वहीं पर ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड इनकी परीक्षाएं अभी तक कैंसिल नहीं हुई हैं। ठीक है, इनकी परीक्षाएं अपने नियत समय पर होंगी, तो आप लोग अगर CBSE ICSE बोर्ड से संबंधित आपके घर में कोई बच्चा है तो उसकी परीक्षाएं आज होंगी, अब भविष्य में इनकी परीक्षाएं निरस्त हो सकती हैं। यहां पर दिया गया है तय समय पर ही होगी CBSE की परीक्षाएं, तो ICSE और CBSE की परीक्षाएं बिल्कुल फिक्स टाइम पर होंगी। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं दोस्तों, BTC DELED की जो सेमेस्टर परीक्षाएं होनी थी, ठीक है, 23 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक ये सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। जो भी सेमेस्टर की परीक्षाएं थी, प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं, इनको अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनसे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं सबकी जो परीक्षाएं संस्थागत रेगुलर एवं प्राइवेट ये सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको नोटिस मिल जाएगी। इसके लिए कल हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आप देखना चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर वीडियो अवेलेबल हैं। आप लोग जिस विद्यालय से संबंधित हो वहाँ की आपको नोटिस मिल जाएगी, नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगली न्यूज है केंद्रीय विद्यालय बमरौली प्रयागराज में भर्ती से संबंधित। दोस्तों इसमें भर्तियां आए हुई हैं, पार्ट टाइम टीचर के आधार पर ये भर्ती हो रही हैं
18 से 65 वर्ष इसमें आयु सीमा है, ठीक है। इसमें पीजीटी के पद हैं रसायन विज्ञान, भूगोल, कंप्यूटर साइंस, समाज शास्त्र। योग्यता यहाँ पर दी गई है, टीजीटी में पद जो हैं वो हैं अंग्रेजी के पद, ठीक है। इसमें भी आपको योग्यता सामने दी गई है। पीआरटी में भी पद हैं, इसके अलावा कैरियर और गाइडेंस काउंसलर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, क्रीड़ा प्रशिक्षक, नृत्य प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, नर्स, इन सभी पदों पर भर्तियां हो रही हैं। अगर आप इसका डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इनके आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 24 मार्च दोपहर 12 बजे तक, इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इनके जो इंटरव्यू होंगे वो 28 मार्च 2020 को एवं 30 मार्च 2020 को होंगे। अगर आप ये प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है, एक बार फिर से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के। स्कूल कॉलेज 2 अप्रैल तक बंद, दिहाड़ी मजदूर भीड़ में न जाएं, सरकार देगी खर्च। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात कही गई है कि जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं वो काम पर भीड़ पर बिल्कुल भी न जाएं। जो पंजीकृत मजदूर हैं उन सभी के खाते में सरकार आरटीजीएस के माध्यम से पैसा भेज देगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक अपडेट दी गई है। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एलटी ग्रेड रिजल्ट को लेकर की अपडेट है। कल एलटी समर्थक मोर्चा के जो प्रतिनिधिमंडल है वो वाराणसी एसएसपी से मुलाकात करने के लिए गया, लेकिन वहाँ से कोई भी राहत नहीं मिली है, ठीक है। वाराणसी के एसएसपी ने बताया कि आयोग ने अभी तक हमें कोई भी लेटर नहीं लिखा है, इस वजह से हम उसका कोई भी उत्तर अभी तक नहीं दे पाए। प्रतियोगी छात्र आज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलने जाएंगे और अपनी बात एक पूरी जो है बताई है, जो वाराणसी एसएसपी से हुई है, वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ही बार बार अभ्यर्थियों से वादा खिलाफी करते हैं। फिलहाल जैसा कुछ होगा आज अपडेट, उसके शाम तक अपडेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा था वो भी स्थगित कर दिया गया है। यूपी बोर्ड की जो उत्तर पुस्तिकाएं उनका मूल्यांकन 16 मार्च 2020 से शुरू हुआ था और कोरोना वायरस के चलते इस मूल्यांकन को अब स्थगित कर दिया गया है। 2 अप्रैल तक मूल्यांकन नहीं होगा, इसके बाद जैसा कुछ दिशा निर्देश आएगा उसी के बाद मूल्यांकन आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये भी एक अपडेट आप लोगों के लिए है। अगली जो न्यूज है वो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, 31 मार्च तक कार्यालयों को बंद किया जाए। जितने दोस्तों सरकारी कार्यालय उनको भी 31 मार्च तक बंद कर दिया जाए, ये मांग उठाई है जवाहर इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ ने। सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का कोई भी इंतजाम नहीं है, इसलिए 31 मार्च तक कार्यालयों को बंद कर दिया जाए, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत ही मुसीबत आ जाएगी इंडिया के सामने, लोगों के सामने। अगर सरकारी दफ्तर जैसे बैंक वगैरह हो गए सब बंद हो जाएंगे तो एक बहुत ही इकोनॉमिक भी डाउन होगा और दिक्कतें भी बहुत होंगी। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अधिक उम्र, गर्भवती और गंभीर बीमारियों से ग्रसित कार्मिकों को मिल सकेगी छुट्टी। सचिवालय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सतर्कता बढ़ाने के लिए दिए हैं निर्देश। तो ये एक अपडेट है। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है बुनियादी शिक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसका डाटा जारी किया गया, क्या क्या बुनियादी शिक्षा में उन्होंने सुधार किया। तो सरकार ने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई हैं, कहा है कि 90,000 स्कूलों में हमने मिशन कायाकल्प के तहत सुविधाएं दी हैं। 6 मॉड्यूल पर काम पर मिशन शुरू हो चुका है। प्रेरणा मिशन के तहत शिक्षकों की छुट्टी जो है अब ऑनलाइन व्यवस्था के तहत होगी। और वहीं पर अभी सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शिक्षक की मौजूदगी स्कूलों में सुनिश्चित करना और शिक्षकों की कमी दूर करना। 69,000 शिक्षक भर्ती आप लोग जानते हैं कोर्ट में फंसी हुई है, इसमें भर्ती करके जल्द से जल्द शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, ये सरकार के पास एक बड़ी चुनौती है। अब अगली जो दोस्तों न्यूज है वो है इग्नू को लेकर के। अगर आप इग्नू की जून 2020 परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जून 2020 परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 31 मार्च 2020 है। इस डेट तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके बाद आवेदन करने वालों को लेट फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं 69,000 ऑर्डर को लेकर के। यहाँ पर एक अपडेट है कि
कि बहुत सारे जगहों पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि ऑर्डर इतने समय पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि ऑर्डर आने की अभी कोई भी डेट प्रस्तावित तो नहीं है। डेट लिस्ट होने के बाद ही अब सभी को सूचित किया जाएगा, सूचना दी जाएगी, जब तक कि अफवाहों और अनुमानों का तथा कयासों से दूरी बनाए रखें। परिणाम तैयार होने के बाद एक से अधिक स्थानों पर इसे सुरक्षित भी रखा जाता, तो इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने का कोई भी चांसेज नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तरीके से अफवाहें उड़ रही थी, इसलिए यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। तो दोस्तों ये आज की होगी पूरी अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके अगर आप डेली मॉर्निंग अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।